हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंदनास कुक बुक। मैं हूँ वंदना। फ्रेंड्स, पालक पनीर तो हम सब अपने घर में बनाते ही हैं, बट आज हम बनाएंगे बिल्कुल ढाबे जैसी डबल तड़का पालक पनीर, वो भी झटपट। तो चलिए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता है। तो ढाबा स्टाइल पालक पनीर बनाने के लिए हमें चाहिए पालक, जिसे मैंने अच्छे से धो दिया है। इसमें मैंने 4 से 5 काजू डाले हैं, इसको हम साथ में ही बॉईल करेंगे। यह है 2 छोटे कटे हुए टमाटर, 1 इंच टुकड़ा अदरक, 4 से 5 कलियां लहसुन और 1 हरी मिर्च। इसे हम ग्राइंड कर देंगे और फाइन प्यूरी बना देंगे। यह है 1 मीडियम साइज का चॉप किया हुआ अनियन, एकदम बारीक मैंने चॉप किया है। पनीर, जिसे मैंने छोटे क्यूब्स में काट लिया है। वेजिटेबल ऑयल, यह है कसूरी मेथी, बारीक कटी हुई लहसुन। यह है दही 1 चम्मच और 1 चम्मच मलाई या फ्रेश क्रीम। यह है भुना हुआ जीरा पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला, बटर। मसालों में हमने लिया है 2 तेज पत्ता, 2 सूखी हुई लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, यह है हल्दी, धनिया पाउडर, सॉल्ट टू टेस्ट और जीरा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पालक को बॉईल करेंगे काजू के साथ में। यहाँ पे डालेंगे हम थोड़ा सा पानी, हमें थोड़ा सा ही डालना है क्योंकि पालक में पहले ही पानी होता है। यहाँ डालेंगे हम थोड़ा सा नमक और 1/2 चम्मच चीनी। चीनी से इसकी कड़वाहट भी कम होगी और कलर भी मेंटेन रहता है ग्रीन। इसे हम 1 विसल आने तक ही पकाएंगे, उसके बाद में हम इसको ठंडा करके और फिर प्यूरी करेंगे। तो चलिए फिर इसको 1 विसल आने तक करते हैं ऑन। तो जब तक हमारी पालक बॉईल होती है तब तक हम बनाते हैं उसका मसाला। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है पैन, गैस मैंने कर दिया है ऑन। सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पे वेजिटेबल ऑयल, ऑयल के गरम होने पर हम डालेंगे इसमें जीरा, जीरा हमारा लाल हो गया है। अब हम डालेंगे इसमें तेज पत्ता, हम डालेंगे इसमें प्याज। प्याज को मैंने चॉपर में चॉप किया है, अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप इसका पेस्ट भी बना सकते हैं, पर अनियन पेस्ट को फ्राई करने में थोड़ा ज़्यादा वक्त लगता है। तो अब हम इसे फ्राई करेंगे, ब्राउन होने तक हमें इसे फ्राई करना है। 5 से 7 मिनट इसमें लग जाएंगे हाई फ्लेम पे। देखिए 5 से 7 मिनट हो चुका है, ये अच्छा सा ब्राउन कलर लेने लगा है। तो अब हम डालेंगे हमारा टमाटर, अदरक, लहसुन और मिर्ची का जो पेस्ट हमने बनाया है वो डालेंगे। अब हम इसे लगातार चलाते हुए भुनेंगे। टमाटर डालने के बाद सबसे पहले हमें नमक डालना है एज पर टेस्ट। हमें तब तक भुनना है जब तक कि ऑयल सेपरेट ना हो जाए। तो अब हम इसे सिम के ऊपर रख देंगे लो फ्लेम पे ढककर 5 मिनट के लिए, उसके बाद फिर से एक बार चेक करते हैं। तो देखिए हमारा मसाला भुनते हुए 5 से 7 मिनट हो चुका है। ये देखिए टमाटर ने सारा ऑयल छोड़ दिया है, तो हमारा टमाटर बिल्कुल रेडी है। फ्लेम कर देंगे हाई। अब हम हमारे सूखे मसाले डालेंगे, उन्हें भी थोड़ा भून लेंगे। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च, क्योंकि हमने हरी मिर्च यहाँ पर पीसी है, ज़्यादा तीखा ना हो। इन मसालों को हम अच्छे से भून लेंगे। फ्लेम मैंने हाई पर ही रखा हुआ है। तो देखिए सूखे मसाले हमने 2 मिनट के लिए इसमें भून लिए थे, अब इसमें अच्छे से तेल छोड़ने लगा है। इसमें अब हम डालेंगे 1 चम्मच क्रीम या मलाई और 1 चम्मच दही, इससे इसमें बहुत ही क्रीमी फ्लेवर आएगा और इसका कलर भी जो है बहुत ही अच्छा ब्राइट आएगा सब्जी का। इसे हम अच्छे से भून लेंगे ताकि इसका जो रॉ फ्लेवर है या स्मेल है वो चला जाए। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम नहीं है तो आप घर की मलाई भी यूज़ कर सकते हैं। तो
इसे अब हम लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए लिड लगा के छोड़ देंगे ताकि अच्छे से ये पक जाए और ऑयल छोड़ दे। तो देखते हैं हमारा मसाला पका है कि नहीं। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए हमारे दही और क्रीम एकदम अच्छे से पक चुका है, इसने अच्छे से तेल छोड़ दिया है। तो अब हम यहाँ पे डालेंगे पालक। पालक को हमने कैश्यू नट के साथ में एक विसल आने तक पकाया था, डी प्रेशराइज होने पे ठंडा करके हमने उसकी प्यूरी बना दी है। ये देखिए कितना अच्छा ब्राइट ग्रीन कलर है। हम इसे मिक्स करेंगे अच्छे से। तो इसमें बॉईल करते वक्त आप शुगर एंड सॉल्ट एक आधा आधा चम्मच जरूर डालें ताकि इसका ग्रीन कलर मेंटेन रहे। तो अब हम इस पालक को पकाएंगे 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे ताकि ये अच्छे से ऑयल साइड्स में से हमारा आ जाए, ग्रेवी हमारी पैन छोड़ने लगेगी। फिर इसको लो फ्लेम पे हम थोड़ा सा पालक को और पका देते हैं, वैसे ये बॉइल्ड तो है ही, तो 5 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देते हैं लिड लगा के। तो फ्रेंड्स हमने इसको लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए रखा था, चेक करते हैं। ये देखिए पालक अब देखिए साइड से ऑयल छोड़ने लगी है, पालक हमारी बिल्कुल रेडी है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला और भुना हुआ जीरा पाउडर और कसूरी मेथी। कसूरी मेथी से इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। कसूरी मेथी को हमको एकदम क्रश करके डालना है। सो कर देते हैं अच्छे से मिक्स। और फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस रेसिपी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको ऐसी और बहुत सी अमी रेसिपीज का नोटिफिकेशन टाइमली मिलता रहे। तो हमारी ये पालक रेडी है, अब हम इसमें डालेंगे पनीर। पनीर आप चाहें तो ऐसे काट के भी डाल सकते हैं या फ्राई करके भी, इट्स टोटली अप टू यू। तो हम डालेंगे इसमें पनीर। इसे बहुत ही हल्के हाथ से हम मिक्स करेंगे क्योंकि हमारा पनीर बहुत सॉफ्ट है। हम पनीर को भी पालक में थोड़ा सा पकाएंगे ताकि एकदम मेल खा जाए। हम थोड़ा सा यहाँ पे पानी डालेंगे क्योंकि बहुत थिक है। तो हम 5 मिनट के लिए इसे ऐसे ही पनीर को छोड़ देंगे लो फ्लेम पे लिड लगा के ताकि एकदम अच्छे से मिक्स हो जाए। चलिए 5 मिनट रुकते हैं। तो फ्रेंड्स 5 मिनट हो चुके हैं, हमने पनीर को डाला था और रखा था लो फ्लेम पे। देखिए हमारी पालक पनीर बिल्कुल रेडी है, बहुत अच्छा कलर आया है, ऑयल भी ऊपर आने लगा है। तो चलिए गैस करते हैं बंद और निकालते हैं इसे बोल में। अब हम करेंगे हमारे सेकंड तड़के की प्रिपरेशन क्योंकि हम बना रहे हैं डबल तड़का ढाबा स्टाइल पालक पनीर। तो अब हम इसके ऊपर भी तड़का डालेंगे इसका फ्लेवर एनहांस करने के लिए। तो चलिए प्रिपरेशन करते हैं सेकंड तड़के की। तो फ्रेंड्स सेकंड तड़के के लिए हमने ले लिया है यहाँ पे एक पैन, तड़का पैन लिया है हमने। अब हम उसमें डालेंगे ये बटर, आप चाहे तो घी भी यूज कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे सॉल्टेड बटर यूज किया है। बटर के मेल्ट होने पे हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा, यह है बारीक कटी हुई लहसुन। फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे क्योंकि बटर बहुत जल्दी जलने लगता है। ये जब तक हल्का सा ब्राउन नहीं हो जाता तब तक हमें इसे पकाना है। देखिए अब लाल होने लगा है। अब हम डालेंगे यहाँ पे 2 सूखी हुई लाल मिर्च। गैस को कर देंगे हम बंद। ये है कश्मीरी मिर्च
कश्मीरी मिर्च डालते ही हमें फटाफट से ये डालना है, नहीं तो हमारा मसाला जल जाएगा। हमारी ढाबा स्टाइल डबल तड़का पालक पनीर इज रेडी। आप इसे नान, कुलचा, रोटी, चावल किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल वन्नास कुकबुक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।